23 तारीख को लखनऊ में विशाल धरना है, जिसमें प्रदेश स्तर के जो है लड़के, इलाहाबाद से भी लड़के पूरे जो है जमखम से जो है लखनऊ आयोग में पहुंचेंगे। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि लखनऊ में भारी से भारी संख्या में पिकअप भवन पहुंचे और ये सरकार जो हमारी वैकेंसी रोकी हुई है इसको पूरा करने के लिए ये धरना अत्यंत आवश्यक है, वरना ये वैकेंसियां भूल जाइए और घर बैठे रहिए। और यहाँ तक कि हमको ये मालूम चला है कि ये सरकार पुरानी भर्ती चालू करने के लिए अक्षम है और जो चेयरमैन आने के कगार पे है वो नए वैकेंसी के लिए है। लिहाजा आप लोग ये विनम्र निवेदन है कि ये जो है हम लोग जो लखनऊ जा रहे हैं ये कोई घूमने टहलने नहीं जा रहे हैं, और आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए और लखनऊ के लिए परेशान करिए। इलाहाबाद से कम 1000 लड़के जाना चाहिए, जिससे ये लगे कि इलाहाबाद के लड़के हमारे कितने सक्षम हैं चलने के लिए, और इलाहाबाद के लड़के की वजह से और ये पूरा अधीनस्थ और पूरे प्रदेश के जो लड़के हैं मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि ये जो भर्ती जो है वो चली हुई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्ती रुकी हुई है उस भर्ती को चालू कराने के लिए हम लोग इलाहाबाद 23 तारीख को लक्ष्मण वो विधानसभा पिकअप भवन पहुँचेंगे और वहाँ से अपनी भर्ती चालू कराएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, हम सभी से अपील करते हैं, खास करके इलाहाबाद मंडल के, आप लोग दमदारी के साथ जाइए। आपकी बार सीधा आर और पार की लड़ाई होगी, आपकी बार जाएंगे हम लोग चेयरमैन लेकर आएंगे। और इसलिए साथियों, आप निकलो घरे मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। आप लोग से एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि 23 तारीख को लखनऊ में पिकअप भवन पे आप लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वहाँ से हम लोगों को एक लीडर मिलेगा जो हम लोगों का आगमन करेगा और हम लोग उसके नेतृत्व में पूरा काम करेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हम लोग का यही मोटिव है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहाल हो, हम लोग पुरानी भर्ती फिर से चालू करी जाए जहाँ से रुकी थी वहीं से। धन्यवाद। ठीक है यार, जब अधीनस्थ बहाल होगा तभी नौकरी मिलेगी।